ये फौजी यहाँ कहाँ से आ गया? अपना 10,000 मांगने आया होगा। इसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। छुप जा। कौन है? धर्मेंद्र है जी। वो बाहर गए हैं दर्जी के पास निकर और बंदी का नाप लेने। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र की छोटी बहन कम्मो बोल रही हूँ। आप जरा बाहर आएंगी? बाहर ना बाबा ना। पराए लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। कहते हैं मर्दों की नजर ऊंची हो गई है। नजर कहीं होती है, निशाना कहीं और। मैं नहीं आती बाहर। आप घबराइए मत, मैं नजर और निशाना एक ही जगह पे रखूंगा। फौजी हूँ, बैलेंस मैन वाला। ना बाबा ना, खूबसूरत लड़की को देखकर बड़े बड़े अनबैलेंस हो जाते हैं। शाम को भैया आएंगे, आपको जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना। ठीक है तो मैं शाम को आ जाऊंगा। बाय बाय बाय। लगता है उल्लू बना दिया। शाम को मिलूंगा ही नहीं, एसटीडी बंद करके निकल जाता हूँ मैं। हाँ एक्सक्यूज मी। कौन है जी? मेरा नाम चंपा है। सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। आप जवान और खूबसूरत दोनों हैं? जी इत्तेफाक से। भरतपुर के जवान लड़के मुझे सपने में देख के जाने क्या क्या करते रहते हैं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चंपा, चंपा कहाँ है? ये रही आपके सामने। क्यों बे, तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है? उल्लू का पट्टा समझता है? अबे मैं तेरे से बड़ा नौटंकी बाज हूँ। चल पैसे निकाल। अभी नहीं है, टेलीफोन बूथ पर खर्च हो गए। तुम ऐसा करो, इस महीने की 35 तारीख को आ जाना। अगर 35 तारीख तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब तोड़ फोड़ के फोन उठा के ले जाऊंगा। याद रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 35 तारीख? अब एक बात बता, इस गांव में कितने दिन का महीना होता है? तुम तू मेरी बात का जवाब सामने वाला बोल। हाँ वो साथ वाली खिड़की आपसे। अच्छा नहीं, 35 तारीख रुको ना यार। अरे तुम भाई, तुम 35 तारीख कहाँ है? तू बोला। हाँ तुम काका, काकी कैसी है? हाँ उनसे कहना मैं दिवाली पर आकर मिलूंगा, और अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो मुझे टेलीग्राम कर दे। अबे मेरे पैसे। एक मिनट, हाँ टेलीग्राम कर दे, मैं उनको मनी ऑर्डर भेज दूंगा। काकी को मेरा प्यार देना। ओके बाय बाय टाटा सी यू। एक बात बता, ये तेरा काका तुझसे बात करते वक्त इतना कंफ्यूज क्यों था? काका काहे का काका, मैं तो इसको जानता भी नहीं। मैं तो उंगली कर रहा था। ये साले लड़ झगड़ के बस पे चढ़ जाते हैं और फिर धक्का मुक्की करके खिड़की वाली सीट पर कब्जा करके सो जाते हैं, साले सुस्त मुर्गे। अब ये सारे रास्ते परेशान रहेगा ये सोच सोच के कि खिड़की पर सर मारता रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं इसे कहाँ मिला था, मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता है, वगैरह वगैरह। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। मजा आता है तो 35 तारीख कभी आएगी? मेरा पैसा कभी आएगा? वो आ गई। मैं नहीं, आपने वो आपको बुला रहे हैं? नहीं भाई साहब, आपने बहन जी, आपने आप ही नहीं, वो ये आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं, हां नहीं, पीछे वाला। सुनो उधर देखो। क्या? हां क्या रे, कैसा है? अरे बड़े भाई कैसे हो? भाभी कैसी है? ठीक ठाक है ना? उनसे कहना कि तेल खरीद के रख ले, दिवाली में दिया जलाने के लिए मैं आ रहा हूँ। सुन रहे हो ना, दिन को रंगीला देखेंगे, रात में दिवाली मनाएंगे, एक लीटर दारू पिएंगे। क्या? ओके बाय चिरियो। क्या तेरा भाई था वो? अरे काहे का भैया, उसको कोई काम नहीं है, आने जाने वालों को बेवकूफ बनाता है। आज मैंने बेवकूफ बना दिया। एक बात बोलूं, तू सबको उंगली करता है, वो तुझे उंगली कर गया। अरे काहे की उंगली, मेरे बचपन का दोस्त था, स्कूल में साथ पढ़ते थे हम। बचपन का दोस्त है? तेरे बेटे की उम्र का है? अरे वो तो एक ही क्लास में बहुत बार फेल हुआ था ना, इसलिए पढ़ा ही नहीं हुआ, समझे? दूसरा भर देना। चल एक दो तीन चार। मुझसे कहते थे सब कुछ मेरे हाथ में है, मालिक बैठकर काम करता है तो हम लेट कर काम करते हैं, यही काम करते हैं। सात। बस कीजिए, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप क्या समझते हैं, आपसे
आपसे इस तरह काम करवा के मैं कलेक्टर बन सकती हूँ। बस बस रहने दीजिए। राधा, तुम तो जानते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसके सिवा और काम भी क्या कर सकता हूँ। फिर तकलीफ तो हमारी तकदीर है। इंसान तदबीर करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर तुम यही काम करना चाहते हो तो एक पुरानी बस खरीद लो, तुम चलाना भी जानते हो। पैसे कहाँ से लूंगा? जिसके पास बस में चलने का किराया नहीं हो वो बस कहाँ से खरीदेगा? पैसे मुझसे ले लो। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, कर्ज समझ के ले लो, आ जाए तो लौटा देना। और नहीं आया तो? बचपन से दुखों का इतना बोझ उठाया है कि अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही। देखो हीरा, मैं तुम्हें अपना समझ के हाथ बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो हाथ मिलाओ। ठीक है, फिर मेरा यहाँ रुकना ही बेकार है। तुम मुझे अगर समझते हो तो मैं चलता हूँ। अरे अंकल रुकिए। अंकल ठीक कहते हैं, ये पराए नहीं है, इनसे कर्ज लेकर बस खरीद लीजिए, सूद के साथ लौटा देंगे। ब्रदर लेकिन। अरे क्या लेकिन लेकिन, चलो चल के बस खरीदो। और भाइयों, आज तक आप लोगों ने केवड़ा ठाकुर की बसों में सफर किया है। अब ये बस ना डिलक्स है ना लग्जरी, लेकिन फिर भी इसमें आपको एयर कंडीशन बस का मजा आएगा। पूछो कैसे? कोई पूछता नहीं यार। अरे पूछो ना कैसे? वैसे कि इस बस में हमने जो कंडक्टर रखा है वो रखा नहीं है, रखी है एक फुलझड़ी है। उस फुलझड़ी का नाम है करिश्मा। बिना दिल की धड़कने करिश्मा टिकट बांटो। कहाँ की काटू? अजी आप कहाँ कहाँ की काट सकती हो? ए इडियट, ये बाल नहीं काटती, टिकट काटती है। टिकट? अलीबाग। अलीबाग का तो सिर्फ 2 रुपए का टिकट होता है यार। अरे अलीबाग जाकर क्या करोगे? अलीबाग में मेरा घर है। और घर जाकर रोज की तरह बीवी की मार खाएगा। इससे अच्छा है करिश्मा के साथ सफर का मजा लो, झूमरी तलैया जाओ, वापसी में अलीबाग में उतर जाना, अलीबाग के 2 रुपए और झूमरी तलैया का 20 रुपया। ऐसा क्या? ये लो 20 रुपए। तुम्हारी कहाँ की? अलीबाग की, लेकिन झूमरी तलैया से वापसी में उतरूंगा। चढ़ जाओ। एक टिकट देना झुमरी तलैया, 20 रुपए निकालो। 30 रुपए? 30 रुपए क्यों? दूसरी बस वाले तो 20 रुपए लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है, वो देखो। हाँ तो कैसी है सुपर डीलक्स? बहुत अच्छी है साहब, बहुत अच्छी है। ठीक है 30 रुपए निकालो। 30 रुपए क्या साहब, मैं तो 50 दे सकता हूँ। ये लीजिए, ये लो टिकट, कल आ जाना। कल? और नहीं तो क्या, अभी ये लोग बेचारे कल रात से लाइन में खड़े हैं, अभी इनको टिकट मिला इसलिए बस में जा रहे हैं। उधर देखो ये कल के एडवांस के लिए अभी से लाइन में खड़े हुए। मगर ऐसे कैसे हो सकता? अरे नहीं हो सकता तो पैसे वापस दो। मैं कल आ जाऊंगा। अरे बस वाले बाबू, मेरा भी टिकट काट दो। उधर कहाँ जा रहे हो? टिकट काउंटर यहाँ है भैया, यहाँ है। इधर है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ ना। अरे तो तुम काय को बस में चढ़ रहे हो भैया? तुम्हारे जैसे लोग बस के ऊपर नहीं चढ़ते, बस तुम्हारे ऊपर चढ़ती है। जाओ जाके बस के नीचे लेटो। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, छूकर मजा तो ले सकता हूँ ना। आदमी है पेरिस लेडी कंडक्टर कहाँ है? अरे 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 किसने कहा था टिकट काटने के लिए लड़की रखने को? इस तरह पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अगर बस में कोई चढ़ नहीं रहा था तो खड़े रहने देते उसे। इस बस कंपनी को मैंने अपने पिताजी का नाम दिया है, अपने आप को डुबा सकता हूं उनके नाम को नहीं। ले जाओ ये रुपए और जिन जिन से लिए उनको वापस करके आओ। अब बस मैं चलाऊंगा और कैसे चला जाती मैं अच्छी तरह जानता हूं।
खेतों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ठाकुर साहब, हम अर्जियां दे देकर थक गए हैं। कलेक्ट्री में हमारे पानी की दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब सुनवाई होगी भी नहीं। वजह? वजह तो आप जानते हैं ठाकुर साहब, इस वक्त कलेक्टर आपकी छोटी बहू है। नमस्ते ठाकुर साहब। सुनो भाई, हम भरतपुर तालुका से आए हैं जी। कलेक्टर साहिबा को एक अर्जी देनी है। कलेक्टर साहिबा अंदर बिजी हैं, आप अपना नाम लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए हमारा कार्ड। आप लोग वहाँ बैठिए, अंदर से बुलावा आते ही मैं आपको बुलाऊंगा। सॉरी सर, पब्लिक की जो शिकायतें हमें मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। सो प्लीज ट्राई एंड स्टॉप सच थिंग्स। मैडम, जब तक पॉलिटिकल दबाव हम पर रहेगा तब तक हम। मैडम, तालुका भरतपुर से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो जरा इंतजार करें। एसपी साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। श्यामलाल जी। मैडम, जो लोग भरतपुर से आए हैं वो बहुत खास हैं, उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ जी। एक्सक्यूज मी सर, yeah? मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम, थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थमा है, दबाओ जाए यहां से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो यह अनुपमा उसकी शक्ल नहीं देखेगा। आपकी अर्जी है कि सिंचाई के लिए गंगा नहर का पानी आपके तालुके में छोड़ा जाए। यू प्लीज सिट डाउन। आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है। दिसंबर महीने से आपको पानी मिलने लगेगा। कलेक्टर साहिबा, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है, अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है, लेकिन उसमें 85 गांव हैं जिनकी कुल आबादी 1.25 लाख है। इसलिए आप उन्हें एक तालुका नहीं, 1.25 लाख लोगों को देखिए। आई अग्री विथ यू बट एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो राधा, मैं पायल मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे याद किया? यार, अपने पति के साथ 4 साल गुजारने की खुशी में 15 तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आई एम सॉरी पायल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मंदिर में पूजा करते हैं। एनीवे, हाउ इज योर सन? एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। संभालना, कहीं अपने दादा की तरह तेरे पति को बेटा ना कहने लगे। भाई, आई एम सॉरी, मैं आपकी अर्जी को लेकर सिंचाई विभाग और डिविजनल ऑफिसर से बात करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपके तालुके को पानी जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मालिक, यहाँ आने से पहले छोटी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन छोटी बहू तो बड़े संस्कारों की निकली। कुर्सी पर बैठकर कलेक्टर का फर्ज और पांव छूकर बहू का धर्म दोनों साथ साथ निभाया।